प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 11वीं कक्षा की फिजिक्स हिंदी मीडियम के सेकंड चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और सेकंड चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन। अब चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जनरल बात बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कि आप कौन सी बुक में से टीच कर रहे हो। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो सरकारी बुक है NCERT की, अब यही बुक जो है सभी बुक्स का आधार है। जितनी भी प्राइवेट बुक्स है सारी NCERT बुक्स पर ही आधारित है और प्राइवेट बुक्स में कुछ एक आर्टिकल एक्स्ट्रा डाल दिए गए हैं। तो ऐसा हमने भी अपने लेक्चर में जहां पर मुझे जरूरत महसूस हुई है मैंने एक्स्ट्रा आर्टिकल उसमें डाले हैं और उनके नोट्स भी प्रिपेयर किए हुए हैं। नोट्स आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से आप पढ़ भी सकते हैं और उसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप लोगों के पास NCERT बुक नहीं है तो ये भी आप डाउनलोड कैसे करें उसका लिंक भी मैंने नीचे दे रखा है, एक वेब पेज बना करके उसमें मैंने फोटो से समझा रखा है। इस तरह से आप NCERT बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए वो भी ना करना चाहें तो आपकी जो बुक कोई भी बुक आप ले लें निश्चिंत होकर के उन सभी बुक्स में ये सारे आर्टिकल जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मिलेंगे। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन मिलेंगे सारे, ठीक। तो आप इस बात की टेंशन ना लें, आप सिर्फ पढ़ाई करें। तो अब आइए शुरुआत करते हैं सेकंड चैप्टर की मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन जो है मुख्य रूप से जो है चार भागों में बांटते हैं पूरे चैप्टर को। पहला जो पार्ट है पार्ट ए, इसमें भौतिक राशियों के मात्रकों की जो पद्धतियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वो मैं बताऊंगा कि मात्रकों की पद्धतियां क्या होती हैं और अलग अलग भौतिक राशियां जो है उनको मापने की विधियां हम पढ़ेंगे इसके बी पार्ट में। और इस तरह से विमाएं क्या होती है, विमीय विश्लेषण क्या होता है, ये पढ़ेंगे सी पार्ट में। और किसी भौतिक राशि के मापन में किस किस टाइप की त्रुटियां हो सकती हैं उन त्रुटियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो आगे वाले जो ये दो चैप्टर्स हैं इनमें जो संख्यात्मक प्रश्न बनते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोनों पार्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन पार्ट्स को समझने के लिए पहले हमें ये दो पार्ट करने जरूरी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट में जो है मुख्य रूप से हमारे पास की भौतिक राशियां क्या होती है, भौतिक राशियों के मात्रक क्या होते हैं और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और मात्रकों की प्रणाली किसको बोलते हैं और उसमें से जो जितनी प्रणालियां हैं उसमें से असाई प्रणाली की हम डिटेल हम पढ़ेंगे। तो ये जो पहला पार्ट है इसमें लगभग 2 लेक्चर आपके लगेंगे, ठीक। अब आइए शुरुआत करते हैं सेकंड चैप्टर मात्रक एवं मापन की। मात्रक एवं मापन में सबसे पहले जो परिभाषा आती है वो है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां या जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है कि वे राशियां जिनको मापा जा सके, एक तो जिनको मापा जा सके और जिनके रूप में हम भौतिकी विज्ञान के नियमों को लिख सकें, जिनके रूप में भौतिकी विज्ञान के नियम लिख सकें। ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो देखिए यहां हमने लिखा है कि वे राशियां जिन्हें मापा जा सके तथा जिनके संदर्भ में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब यदि भौतिक राशियों के उदाहरण अगर हम दें तो किस किस को माप सकते हैं, जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान माप सकते हैं, ठीक, और उसकी लंबाई माप सकते हैं। तो लंबाई माप सकते हैं, द्रव्यमान माप सकते हैं, तो ये क्या है, भौतिक राशियां हैं। इसी तरह से
हम समय को माप सकते हैं, किसी वस्तु का ताप माप सकते हैं, इस तरह से बहुत सारी हमारे पास क्या है, भौतिक राशियां हैं। अब ये देखते हैं कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक तो मूल राशियां, कौन कौन सी होती है, एक तो मूल राशियां होती है और दूसरी जो है व्युत्पन्न राशियां। तो पहली प्रकार कौन सी है? मूल राशियां और दूसरी व्युत्पन्न राशियां। इनको अगर इंग्लिश में बोले तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया कि भौतिक राशियां दो तरह की होती है, एक मूल राशियां और दूसरी व्युत्पन्न राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब देखिए मूल राशियां कौन सी होती है? ये वे राशियां हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, स्वतंत्र होती है अपने आप में। तो इनमें जैसे हो गया कौन कौन सा, द्रव्यमान, लंबाई, समय, किसी वस्तु का ताप, ठीक, ये आदि क्या है, मूल राशियां हैं। जबकि व्युत्पन्न राशियां, ये व्युत्पन्न राशियां जो है मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती है। जैसे वेग है, वेग को आप विस्थापन बटे समय, विस्थापन को समय से अगर भाग करोगे तो वेग आपको एक नई राशि प्राप्त हो जाएगी। विस्थापन एक किस्म की लंबाई होती है, ठीक है, इसको हम सेकंड आगे अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। और समय देखिए मूल राशि है, तो इस तरह से जो है इन राशियों की गुणा या भाग करके हम व्युत्पन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से मान लिया हम त्वरण की बात करें, तो अगर आप वेग को समय से भाग दे दोगे तो क्या निकले, एक नई राशि निकले जिसको हम त्वरण बोलते हैं, ठीक। अब त्वरण को अगर आप द्रव्यमान से गुणा कर दोगे तो बल आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा आदि क्या है, सारी व्युत्पन्न राशियां हैं। देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख भी दिया है कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, मूल राशियां वे राशियां जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती मूल राशियां कहलाती है, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप आदि। और व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती हो, प्राप्त की जा सकती हो, जैसे वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा आदि, ये क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं। अब आगे देखिए अगली परिभाषा आती है कि किसी भौतिक राशि का मात्रक या यूनिट क्या होता है। देखिए कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित और मान्यता प्राप्त मानक होता है। मान्यता प्राप्त क्या होता है, मानक होता है। और वो निश्चित और मान्यता प्राप्त मानक क्या कहलाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। अब देखिए मानक का अर्थ मैं समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए हमें किसी की लंबाई मापनी है, तो देखिए लंबाई मापने के लिए जैसे आपने स्केल पर ये साइड देखा होगा कि 0 से 1, 2, 3 इस तरह से काउंटिंग लिखी है, तो ये सेंटीमीटर जो है यानी यहां से यहां तक ये जो इतनी दूरी है ये 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो 1 सेंटीमीटर है ये एक किस्म का मानक है। इसी तरह से अगर आप इस स्केल की दूसरी साइड अगर आप देखोगे तो यहां से यहां तक बड़ी लाइन लगी हुई है, ये 1 इंच है। इंच भी क्या है, लंबाई मापने का एक मानक है। ओके, तो ये जो सेंटीमीटर, इंच, इसी तरह से मीटर वगैरह जो है ये लंबाई मापने के कुछ निश्चित मान्यता प्राप्त मानक है, तो हम इन्हें लंबाई की मात्रक कह सकते हैं। ओके, तो ये सेंटीमीटर है, इंच है, मीटर है, ये सब सब क्या है, लंबाई के मात्रक कहेंगे हम इन्हें। ओके, इसी तरह से मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान आपने मापना हो, द्रव्यमान मापने के लिए जो किलोग्राम, ग्राम जो है वो इसके द्रव्यमान मापने के निश्चित और मान्यता प्राप्त मानक है, तो किलोग्राम को हम द्रव्यमान का क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे, इसकी यूनिट कहेंगे। ओके, इसी तरह से किसी वस्तु का तापमान मापने के लिए
केल्विन या डिग्री सेल्सियस, ये इसके मात्रक हैं। ओके, अब देखिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक रेखा, मैं यहां पर ड्रा कर लेता हूं। इस रेखा को इस मानक देखिए यहां पर हम माप रहे हैं, तो यहां पर ये 5.1 सेंटीमीटर, तो जो लंबाई है इसकी वो क्या है, 5.1 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। तो देखिए कि जैसे हमने इस भौतिक राशि का माप लिखा 5.1 सेंटीमीटर, यानी लंबाई क्या भौतिक राशि और ये कितनी है 5.1 सेंटीमीटर, तो लंबाई होगी भौतिक राशि। भौतिक राशि को हम लिखते हैं क्यू से, यहां पर सेंटीमीटर क्या है यूनिट, यूनिट को लिखते हैं यू से। 5.1 एक संख्या है, ठीक। ओके, तो कोई भी भौतिक राशि एक संख्यात्मक मान गुणा में इकाई के बराबर होती है। ओके, या हम यहां संख्यात्मक मान के लिए ये भी कह सकते हैं कि इतनी लंबाई में सेंटीमीटर जो 5.1 बार रिपीट इसमें हुआ है, कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और थोड़ा सा और आगे तो 5.1 बार जो है ये सेंटीमीटर इस लंबाई में रिपीट हुआ है। अब देखिए यहां पर मैं एक खास बात और भी बताता हूं। मान लीजिए कि मैं इसको इंच में मापता हूं, तो इंच में अगर मापता हूं तो ये पूरा 2 इंच के लगभग है, तो इसी लंबाई को मैं ये कह सकता हूं 2 इंच। अब देखिए यहां पर मैंने इकाई बदल दी, यहां इकाई क्या थी सेंटीमीटर, अब इकाई क्या है इंच। रेखा तो वही है, रेखा तो चेंज नहीं की, लंबाई तो वही है, तो अब बदल क्या गया है संख्यात्मक मान, देखिए ये बदल गया, पहले 5.1 था अब 2 था। तो जैसे आप किसी भी भौतिक राशि के माप की अगर आप इकाई बदल देते हैं तो संख्यात्मक मान भी बदल जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि इस भौतिक राशि का परिणाम नहीं बदलेगा, चाहे आप मात्रक कोई भी ले लो, इकाई कोई भी ले लो, यूनिट कोई भी ले लो। मात्रक को हम इकाई भी कहते हैं, मात्रक भी कहते हैं, तो दोनों शब्द मैं बार बार यूज करूंगा, तो आपने इसका अर्थ सेम वही रखना है। तो किसी भौतिक राशि का अगर मात्रक हम बदल देंगे तो संख्यात्मक मान भी बदल जाएगा। तो हम यहाँ पर इस फार्मूले का थोड़ा सा और भी आगे बढ़ा सकते हैं कि क्यों बराबर, अगर आप इकाई को U1 यूज करते हो तो संख्यात्मक मान N1 होगा, और इकाई अगर मात्रक अगर आप U2 यूज करते हो तो संख्यात्मक मान N2 होगा। ओके, तो इस फार्मूले को आपने अच्छी तरह से याद रखना है, इसके आधार पर हम कुछ संख्यात्मक प्रश्न भी करेंगे और इसे आगे विमीय विश्लेषण जो पार्ट आएगा इसी चैप्टर का, उसमें भी हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, तो इसको अच्छे से आपने याद रखना है। अब यहां देखिए मैंने लिखा भी है कि मात्रक या यूनिट, मात्रक या इकाई भी हम कह सकते हैं, मात्रक किसी भौतिक राशि के माप के लिए निश्चित तथा मान्यता प्राप्त मानक, उस राशि का क्या है मात्रक है, और क्यों अगर कोई भौतिक राशि है तो क्यों इज इक्वल टू एन इंटू यू के बराबर होगा। यू यहां भौतिक राशि का मात्रक है और एन ये मात्रक क्यों में जितनी बार सम्मिलित हुआ है वो संख्या है, और भौतिक राशि का मात्रक अगर हम बदल देंगे तो अभी राशि का परिणाम नहीं बदलता है, परिणाम वही रहेगा, क्यों वही रहेगी, बस आगे संख्यात्मक मान बदल जाएगा। तो क्यों बराबर N1U1 बराबर N2U2 होगा, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखेंगे। अब आगे आता कि भौतिक राशि के मात्रक के गुण। अब देखिए कि हम किसी भी चीज को अगर भौतिक राशि का मात्रक मानते हैं तो उस मात्रक में गुण क्या क्या होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमने उठाया और किसी भी चीज को यह कह दिया भी लव जैसे ये 1 सेंटीमीटर है और हम इसको कोई इतनी सी कोई और लंबाई दे दें और हम इसको अपना नाम दे दें, ठीक, कि जैसे आपका नाम जैसे विकास है तो आप ये कहेंगे कि ये एक विकास मैंने लेंथ की इकाई बना दी, ठीक।
तो लेंथ का एक मात्रक बना दिया। तो आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते इसको, क्योंकि अगर बनाते हो तो इसके अंदर गुण होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए? कि एक तो सटीक रूप से परिभाषित होना चाहिए, दूसरा उपयुक्त आकार का होना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए आपने कोई भौतिक राशि छोटी सी मापनी है, आप इकाई बहुत बड़ी ले लेते हो, या फिर बहुत बड़ी राशि मापनी हो इकाई आप, या मात्रक आप छोटा सा ले लेते हो, तो जो है आकार जो है वो उपयुक्त होना चाहिए, आसानी से सुलभ होनी चाहिए। ओके। और यूनिट की प्रतिकृति यानी मात्रक की प्रतिकृतियां आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। प्रतिकृतियों का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई विवाद की स्थिति आ जाती है और हम ये कहते हैं कि 1 मीटर ये वाली लंबाई नहीं होती, इससे कम या ज्यादा होती है, तो इसकी जो शुरू में साइंटिस्टों ने जो 1 मीटर को परिभाषित किया था उसकी कॉपी जो है उपलब्ध हमें हो जानी चाहिए, या फिर हम किसी एक अच्छी लेबोरेटरी में ये प्रोड्यूस करके दिखा दें कि वास्तव में यही 1 मीटर है। आगे मैं आपको 1 मीटर की उनकी परिभाषा बताऊंगा, उसमें आप अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि मात्रक की जो प्रतिकृतियां हैं, इनकी जो फोटोकॉपी है या इसका जो प्रतिरूप है वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए, इसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है वो उपलब्ध हो जानी चाहिए, और ये समय के साथ नहीं बदलना चाहिए। ओके। समय के साथ ये बदलना नहीं चाहिए, ये नहीं कि आज 1 मीटर इतना 10 साल बाद में कुछ और हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भौतिक परिस्थितियां जैसे तापमान है, दबाव है, इनके साथ भी मात्रक बदलना नहीं चाहिए। तो एक भौतिक राशि के मात्रक में ये 6 गुण होने चाहिए। अब आगे आता है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। जैसे हमने भौतिक राशियां पढ़ी थी, 2 प्रकार के भौतिक राशियां होते हैं, एक मूल राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। तो मूल भौतिक राशियां जो है उनके जो मात्रक है उनको मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक है उनको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो हम ये कहेंगे कि ऐसे मात्रक जिनका उपयोग मूल राशियों के मापन के लिए किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। और मूल मात्रक क्या पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी अन्य मात्रक से व्युत्पन्न नहीं किया जाता, उदाहरण के लिए मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ठीक। और व्युत्पन्न मात्रक जिनको मूल मात्रकों का उपयोग करके व्युत्पन्न किया जा सके, ड्राइव किया जा सके, ऐसे मात्रक क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे मीटर प्रति सेकंड है, न्यूटन है, जूल वगैरह जो है, ऐसे मात्रक हैं। इनको हम आगे भी इनको डेरिवेशन करके दिखाएंगे, इनका व्युत्पन्न करके दिखाएंगे। ठीक है। अब आइए अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, कि मात्रकों की प्रणाली या पद्धति या सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। अब देखिए, मैंने आपको 2 तरह के मात्रक बताए, कौन कौन से, एक तो मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। ठीक। तो देखिए कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों का एक संपूर्ण समुच्चय, संपूर्ण समुच्चय का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा सेट हो, ऐसी लिस्ट हो जिसमें हम जितने भी लगभग नॉन हमारे पास राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं, उन सभी के मात्रक जो है उस लिस्ट में हो, उस सेट में हो। तो ऐसा सेट जो है वो क्या कहलाता है, मात्रकों की प्रणाली या मात्रकों की पद्धति कहलाता है, या इंग्लिश में बोले तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है। तो मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों का संपूर्ण समुच्चय क्या कहलाएगा, मात्रकों की प्रणाली या मात्रकों की पद्धति कहलाता है। ठीक। अब देखिए कि मात्रकों की प्रणाली या मात्रकों की जो पद्धति है, जो विश्व में हम प्रमुखता से जो प्रयोग करते आ रहे हैं पुराने टाइम से, वो ये हमारे सिलेबस में 4 मुख्य प्रणाली है। एक तो है एफपीएस प्रणाली,
दूसरी सीजीएस प्रणाली, और तीसरा है एमकेएस प्रणाली, और चौथा और लेटेस्ट है एसआई प्रणाली। तो देखिए एफपीएस प्रणाली जो है ये एक ब्रिटिश प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? ब्रिटिश प्रणाली है, और जिसमें एक तो लंबाई, एक द्रव्यमान और एक समय, इनके मात्रक एफ से फुट, पी से पौंड और एस से सेकंड लिया गया है। ठीक, तो एफपीएस क्या है? एक ब्रिटिश प्रणाली है जिसमें द्रव्यमान लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पौंड और समय के लिए सेकंड मात्रक जो है वो लिया गया है। सीजीएस जो है एक गासीय प्रणाली है, गाजियन सिस्टम है। ठीक, तो इसमें सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। ठीक, तो ये सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पर आधारित है। इसी तरह से एमकेएस, एमकेएस सिस्टम जो है वो मीटर, किलोग्राम और सेकंड पर आधारित है। ठीक, और एसआई सिस्टम जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है। ये कुछ विशेष एरिया में यूज किए जाते थे, लेकिन पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ये आज भी यूज किए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे साइंस की डेवलपमेंट हुई, एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम ऑफ यूनिट की हमें जरूरत पड़ी, एक अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की प्रणाली की जरूरत पड़ी। तो साइंटिस्टों के एक यूनियन ने जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की प्रणाली का विकसित की, जिसको हम एसआई सिस्टम कहते हैं। एसआई का अगर फ्रांसीसी भाषा में देखें तो सिस्टम डी इंटरनेशनल, इसकी फुल फॉर्म होती है। एसआई की फुल फॉर्म कहते हैं सिस्टम डी इंटरनेशनल, जिसको अगर अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करें तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसका अंग्रेजी बनती है। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ओके, तो इस प्रणाली में जो है सात तो मूल मात्रक हैं और दो पूरक मात्रक हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। दो पूरक मात्रक है और बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं। ओके, तो जितना मैंने आपको पढ़ाया हुआ एक बार मैं आपको नोट्स में से और बता देता हूं, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। हम देखिए कि मात्रकों की प्रणाली, मैंने आपको बताया था कि मूल मात्रा और व्युत्पन्न मात्राओं के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली कहा जाता है। और प्रमुखता से प्रयोग में लाए जाने वाले मात्रक है एफपीएस, ये ब्रिटिश प्रणाली है। इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के मूल मात्रक क्रम से फुट, पाउंड और सेकंड है। सीजीएस प्रणाली ये गाजिन सिस्टम है, गाजिन प्रणाली है जिसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के मूल मात्रक सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड जैसे नाम से स्पष्ट है। और इसमें लंबाई, एमकेएस में लंबाई, द्रव्यमान और समय के जो मूल मात्रक है वो मीटर, किलोग्राम और सेकंड है। ओके, और एसआई प्रणाली यह है मात्रकों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, जिसमें सात मूल मात्रक है, दो पूरक मात्रक है और बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम एसआई सिस्टम की डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।